कलाकंद और कलाकंद भी बहुत मशहूर है, दूर दूर से आते हैं। कलाकंद और लस्सी फेमस है पंडित की। पंडित जी के यहाँ से रामचंद्र शर्मा जी। तो आप तो लोग यहीं के होंगे पिनाड के। हम तो पिनाड के रहने वाले हैं। कब से आ रहे हो पंडित जी के पास आप? कम से कम 30 साल से, 30 साल 80 से। फेवरेट क्या आपका? कलाकंद और लस्सी। कलाकंद और लस्सी दोनों फेवरेट है। दोनों फेवरेट है। तो मतलब लस्सी पी रहे हो तो कलाकंद जरूर खाओगे? हाँ बिल्कुल, उसको स्वाद मिलता है उससे। कॉम्बिनेशन है दोनों। हाँ दोनों का और का स्वाद ही अलग होता है। सिंगल खा रहे हो तो स्वाद नहीं आएगा? नहीं आएगा। खेल के अगर कबड्डी खेलो तो और अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ तो कितनी पुरानी शॉप होगी जी? सन 75-70 की है। सन 75-70 की है तो बहुत पुरानी शॉप। 1970 की। पिताजी एक्सपायर हो गए, बच्चे देख रहे हो? दूसरी जनरेशन थोड़ा है। मानी हुई चीज है, आप खाओगे तो गदगद हो जाओगे। गदगद। तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। कैसे हो आप? अच्छे हैं। बड़ा नाम सुना जी पिनाड में आपकी लस्सी और आपके। हम तो हमारे पिताजी का जमाने थे। अच्छा, कलाकंद। कलाकंद खोए 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 का बनते। खोए खोए का बनता है ये। दही कलाकंद। दही कलाकंद ये तो कॉम्बिनेशन दही के साथ रहता है इसका। हाँ वैसे भी चलता है। अच्छा वैसे भी दही से और टेस्ट आ जाता है। पिनाड के लोग तो दही से ज्यादा पसंद करते हैं। पसंद करते हैं, बाहर के लोग भी पसंद करते हैं। अच्छा तो कितना पड़ी, कितना समय हो गया आपकी दुकान को? मेरी दुकान को 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। तो आपसे पहले पिताजी? हमारे पिताजी बैठते, भाई साहब बैठते। अच्छा, ये दूसरी या तीसरी जनरेशन होगी? हाँ। अच्छा भाई ये देखो, तो ये कलाकंद है। ये भाई देखो, देसी स्वाद है। और पिनाड के अंदर मैंने ये देखा है कि लोग थोड़ा सा देसी ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों विनीत भाई? तो बड़ी इसमें ऐसा क्या स्वाद रहता है दही के साथ, क्या कॉम्बिनेशन आता है? दही के साथ बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा हाँ। तो मतलब ये पिताजी के समय से चला रहा है कि आपने? पिताजी के समय से चला रहा है, मेरे समय से कुछ नहीं। कुछ नहीं है आपने? कुछ नहीं इसमें किया? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पिताजी ने। मतलब पुराना स्वाद है ये। 60 साल स्वाद है। 60 साल पुराना स्वाद है ये। अपने हाथ से खोआ बनाते, अपने हाथ से कलाकंद बनाते, दिल्ली बम्बई सब जगह जाता है। अच्छा अच्छा। तो पहले गांव में कलाकंद बहुत चलता था? बहुत, अभी भी चलता है। अच्छा, बाहर भी जाता है? बाहर भी जाता है। गांव देहात साइड आप जाओगे ना तो आपको कलाकंद देखने को मिलेगा। लोग आ गए यहाँ जब ताजिए बनते मोहर्रम तो दुबई तक, बाहर तक जाता है ये। अच्छा, ये कलाकंद? हाँ, बम्बई दुबई सब जगह जाता है। सब जगह जाता, सब जगह। यहाँ के लोग ताजिए बनाते हैं तो बाहर तक जाता है, पूरा दुबई तक लेके जाते हैं, पूरा दुबई तक। और बम्बई के लोग आते हैं, लस्सी बहुत पीते हैं। सरदार लोग दिल्ली से आते हैं, वो भी लस्सी बहुत पीते हैं। अच्छा, लस्सी। तो लस्सी और गर्मियों में चलती होगी? गर्मियों। और सर्दियों में? सर्दियों में। सर्दियों में केवल दही और? दही और कलाकंद। और ये बन के रखा हुआ है तो एक बार में कितना बनता है कढ़ाई, ये कढ़िया भर के, ये परात भर के? एक बार में 40 किलो बनता है। 40 किलो बनता है अभी तो बन चुका है। रोज बिकता है। अच्छा, रोज रोज 40। पंडित जी किस नाम से अपनी दुकान? ये मेरी नाम, दुकान का नाम श्याम सुंदर पंडित जी। पंडित जी कलाकंद वाले। कलाकंद वाले। तो लोकेशन क्या पड़ती है अपनी, ये जगह कौन सी है? ये जगह चांदनी चौक मार मोहल्ला। चांदनी चौक मार मोहल्ला पिनाड। पिनाड जिला आगरा। जिला। तो दोस्तों अभी मैं हूँ चांदनी चौक, दिल्ली वाली चांदनी चौक नहीं, पिनाड वाली चांदनी चौक। पिनाड का फेवरेट कलाकंद और दही का आनंद ले रहे हैं जी पिनाड के अंदर पंडित जी के पास। और काफी फेवरेट है यहाँ पर, 60 साल पुराना स्वाद है ये। दूसरी पीढ़ी चल रही है पंडित जी की। और ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, कैमरा कर दो भाई साहब। हाँ चाचा क्या कह रहे हो आप? देसी स्वाद दिखाया जा रहा है भाई साहब पिनाड के अंदर, बढ़िया सा स्वाद है। और अभी ये दूसरी तीसरी वीडियो है पिनाड में आया हो, तो जैसे ही मैंने एंट्री की ना तो मुझे यहाँ पर यार बिल्कुल देसी स्वाद दिखा है हर जगह। तो मुझे लग रहा है कि पिनाड के लोग स्वाद के बड़े शौकीन है। तो यहाँ ट्राई कर रहे हैं ये कलाकंद और दही। फ्रेश दही है, कलाकंद भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बड़े जिस चीज़ के लिए फेमस है ना वो यहाँ दिख रहा है भाई। और लोग यहाँ पर काफी पसंद करते हैं ये। बड़ी कितने रुपए किलो रहता है अपना कलाकंद? 350 रुपए। 350 रुपए किलो। और लस्सी का क्या रेट है? लस्सी 40 रुपए। 40 रुपए। कलाकंद खा रहे हो तो दही जरूर लीजिएगा, पंडित जी के पास आ रहे हो। दही से अच्छा लगता है। दही से अच्छा लगता है और काफी बढ़िया टेस्ट है। अभी मैंने भी ट्राई किया, काफी मुझे जो टेस्ट लगा ना भाई, दही की क्वालिटी मुझे ज्यादा अच्छी लगी। दही की थिकनेस बहुत अच्छी है। एक्चुअल में होता क्या था कि पुराने समय में कलाकंद बहुत खाया जाता था, बट आजकल लोग उसे बर्फी बोलते हैं और मिल्क केक बोलते हैं, बट पहले इसे कलाकंद बोला जाता। तो हर तरह के कलाकंद मिलते थे, बकरी के दूध का, गाय के दूध का, भैंस के दूध का। बट अभी यहाँ पर पहली बार खाया, बचपन में खाया था कलाकंद अपने गाँव में, और यहाँ खा रहा हूँ तो वही बचपन की यादें ताज़ा हो गई मेरी। और दही के जो, दही के साथ जो टेस्ट आया ना सच में लाजवाब है। कोई गोवा रहता है? अच्छा, कोई गोवा रहता है। मिठास कम रहता है? मिठास तो कम है, ना मात्र है। और टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया आ रहा है इसका।
बिल्कुल देखिए, और फ्रेश है ये पर डे बनता है आपका? पर डे बनता है पूरा। अच्छा, तो कभी आप पिनाहट के चांदनी चौक में आ रहे हो ना, तो पंडित जी के पास आकर दही और कलाकंद का आनंद लेना मत भूलिएगा। और गर्मी में आ रहे हो तो आपको यहाँ की लस्सी भी मिलेगी, जो कि काफ़ी फेवरेट है, काफ़ी पॉपुलर है भाई, लोकल लोग तो रेगुलर पीते हैं। तो चलिए गाइस, लेते हैं देसी स्वाद का आनंद। आ रहे हो ये खा रहे हो तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये देसी स्वाद कैसा लगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग टाटा, बाय बाय।